हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली लॉकडाउन में मैंने एक हॉबी डेवलप की है विच इज़ लव टूवर्ड्स नेचर। और उस दौरान मैंने कुछ चीज़ें इनिशियल स्टेज में सेटअप किया था जो कि अब बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को दे रही हैं। तो आई फील वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी द वर्क दैट आई हैव बीन डन ऑलरेडी एंड नाउ आई एम गेटिंग द फ्रूट्स। सो मैं आपको बताऊंगा हैंगिंग पॉट्स के बारे में जो मैंने अपने घर में लगाए हैं। ये देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो मैंने, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है जो मैंने प्लांट्स, जो ये सब प्लांट्स हैं इनको बचाने के लिए ये सब बनाया है। तो इसमें मैंने ऐड ऑन किया है कि मैंने इसमें हैंगिंग पॉट्स को डाला है। ये हैंगिंग पॉट्स जो आई कार्ड्स के जो टैग्स होते हैं उनके थ्रू मैंने एक प्लास्टिक की रस्सी के थ्रू, और ये मिट्टी के पॉट हैं जिनको मैंने ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है, इनको मैंने इसमें लटकाया हुआ है। तो ये देखिए इसमें आज ये एक ब्यूटीफुल पॉट है जिसमें चारों तरफ फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख करके। ये एक वास, ब्यूटीफुल वास से कम नहीं लग रहे हैं। ये देखिए ये अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया है इन द क्यू, तो अब ये अभी स्टेबल हुआ है तो जल्दी इसमें भी फूल आएंगे। ये देखिए इसमें ये वाइट कलर का फ्लावर है तो वाइट प्लस पिंक का दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने लगाया है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप लोगों भी नेचर से जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एक जो मटका होता है उसका बॉटम पार्ट को मैंने काट के एक चारों तरफ से बांध के बनाया था, बट वो ये देखिए लूज़ हो गया है और वो गिर गया था पानी के वेट से। तो अभी मेरे को यहाँ पर नया लगाना है बर्ड्स के लिए स्पेशली। वो ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। इसमें लिमिटेड फ्लावर्स हैं, ये देखिए दिस इज़ द बेस्ट वन टिल नाउ, बिकॉज़ ये जो पॉट है ये मैंने उससे बनाया था जो स्टीम लेते हैं उसका ऊपर का जो प्लास्टिक पार्ट होता है जो कि फेस के लिए होता है, मैंने उसको कन्वर्ट किया है यहाँ पे। और यह मैंने दो तरह का मिक्सअप किया है वाइट एंड पिंक फ्लावर्स का। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स। तो बड़ा अच्छा लगता है जब नेचर रिस्पांस देता है और हमने नेचर के लिए कुछ किया होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इट वाज ऑल अबाउट दिस हैंगिंग पॉट्स। तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा आम की स्टोरी, आम के प्लांट्स की स्टोरी को लेकर के। हाँ ये मैं भूल गया था, ये मैंने गुड लक प्लांट बनाया है। ये जो पॉट है ये जो लकी बाम्बू प्लांट होता है उसका बचा हुआ था क्योंकि वो तो सारे जल गए थे, तो मैंने उसको इसमें मिट्टी डाल करके ये लगाया है। इसको मैं अपनी ऑफिस टेबल के लिए मैं यूज़ करूँगा। तो अभी ये स्टेबल हो गया काफ़ी, मैं इसको धूप देने के लिए लगा रखा है यहाँ पे। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।